हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन में। तो आज मेरे पास है कुछ गुड़हल की कटिंग्स, जिसको इंग्लिश में हिबिस्कस और चाइना रोज़ भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम इसे ही ग्रो करने वाले हैं, वो भी कटिंग से। तो गुड़हल को कटिंग से ग्रो करने का बेस्ट टाइम जून या जुलाई होता है, क्योंकि इसको सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। इसको सारे दिन अच्छी सनलाइट में रखा जाता है और ये तभी अच्छी फ्लावरिंग कर पाता है। गुड़हल बहुत सारे कलर में मिलता है, जैसे कि ये येलो कलर में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, रेड कलर में मिल जाता है और वाइट कलर में भी। ये प्लांट ओनली समर सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है और इसकी अच्छी ग्रोथ भी समर सीज़न में ही होती है। मेनली ये प्लांट विंटर सीज़न में अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता और ना ही इसमें विंटर सीज़न में फ्लावरिंग भी नहीं करता है। तो आज मैं इसे कटिंग से लगाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी 3 कटिंग ले ली है, तो मैं इसी से ही इसको ग्रो करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो सॉइल मिक्स में मैंने 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ली है और 40% मैंने काउडंग कंपोस्ट ले लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको लगाने के लिए मैं इस प्लास्टिक के डब्बे का यूज़ करूँगा, जिसमें मैंने पानी निकालने के लिए ये ड्रेनेज होल भी कर दिया है। और इसको मैं पत्तों से कवर कर दूँगा ताकि इससे मिट्टी ना निकले। तो चलिए अब इसे मिट्टी से फुल करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आधे से भी ज़्यादा मिट्टी से भर दिया है और अब इसमें कटिंग लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी बहुत बड़ी बड़ी कटिंग दे रखी है। तो आप इसको चाहो तो इसको पीसेस में कट करके भी लगा सकते हैं, ताकि ये बहुत सारी एक साथ ही ग्रो हो जाएंगी। तो चलिए इनको कट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कुछ कटिंग निकाल ली है और इस कटिंग को मैंने नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट किया है, ताकि इसको ग्रो होने में ज़्यादा समय ना लगे और ये फंगस से बचा रहे। तो इसको लगाने के लिए अब मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एलोवेरा का पीस है, इसको इसमें अच्छे से डिप करके और फिर लगाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से लगा दिया है और अब बारी है इसमें पानी डालने की। पानी डालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और इसमें हमें ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है, इसलिए इसमें गुनगुना पानी ही डाला जाता है। ठंडे पानी से इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं, तो हफ्ते में इसे गुनगुना पानी डालना पड़ेगा। पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी से ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो मैंने इसमें सारी कटिंग लगा दी है और इसको ग्रो होने में लगभग 10 to 15 days का टाइम लगेगा और लगभग 1 या 1.5 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग होना भी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।